और इनकी ज्यूरिसडिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है, देखिए इसका एवेंचुअली क्या होता है। एक चीज़ हम ज़रूर बताएं कि बारहा हमने ये कहा है कि जो पार्टी सीटें जीतें उसकी मैंडेट उसको मिलने चाहिए, और यही तनाजुर में हमने सारा कुछ कहा है, और यही तनाजुर होना चाहिए कि अवाम जिसको मैंडेट दे, मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कभी रिग नहीं होने चाहिए, और इसी सिलसिले में हम वो अपनी रिजर्व सीटें भी इसी कंटेक्स्ट में मांग रहे हैं। एनी क्वेश्चन? ये बताइए कि जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट जिसकी बात की गई अभी तक इसको डिलीट नहीं किया गया, वो भी मैटर अभी अंडर कंसिडरेशन है, वो बताएंगे इंशाल्लाह एक दो दिनों तक वो उस पर भी बात करेंगे। हाँ, वो मेरे यूब साहब की तरफ से ये था कि वो उन्होंने आया था, आज उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने लेटर भेजा था, वकील भेजा था, उन्होंने टाइम मांगा है और उनको वो खुद इसलिए नहीं आ सकते। देखो, हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो डी क्लासीफाइड हो गई थी 2011 में, और डी क्लासीफाइड वर्शन तो आर्मी कोर्टों में भी मौजूद हैं, तो इसलिए वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो ट्वीट हुआ है, क्या बानी चेयरमैन के अकाउंट से जो भी चीज़ ट्वीट होती है उनकी इजाज़त के साथ होती है या उनकी इजाज़त के बगैर भी ट्वीट? देखो, ये मैटर वही है जिस पर हमने बात की है, मैंने कहा है कि ये मैटर सब जुडिस है, तो इंशाल्लाह इस पर बाद में बात करेंगे। इंशाल्लाह ये बिल्कुल, ये सारी बातें करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कल मीटिंग हो जाए, आज इसलिए मैं कोशिश कर रहा था जल्दी जाए लेकिन अभी तक नहीं है, आज अगर हो सकता है तो मुलाकात आज भी करेंगे खान साहब के साथ, लेकिन आज खान साहब के साथ इन्फॉर्मेशन यही आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी थी। कल सुप्रीम कोर्ट में केस है, वो नेब वाला केस जिसमें खान साहब ने खुद पेश होना है, दो कि खान साहब ने उस पर लिखा था कि मैं इन पर्सन पेश होना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर इन पर्सन नहीं था तो उन्होंने लाइव कर दिया, वो लाइव भी नहीं है कवरेज, लेकिन कल ऑनलाइन जब खान साहब पेश होंगे उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि आप जाएं, आप उनसे मुलाकात करें, और वकील और ख्वाजा हारिस साहब उसके सिलसिले में भी मिलना चाह रहे थे, बट अभी तक ये बताया गया कि इजाज़त नहीं है आज मुलाकात की, या मुलाकात आज शायद मुमकिन ना हो, तो इंशाल्लाह कल अगर मुलाकात, जो हमारी रूटीन का दिन है, मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला तफसील से आप लोगों को आगाह करें। थैंक यू जी, थैंक यू।